देखिए, हम चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेते। चुनाव है, जनता का मत है, तो इसलिए हमने 84 दिन में लगभग 780 नुक्कड़ सभा, मीटिंग्स, ये सब किया है। और साथ ही साथ हमने 88 और लोकसभा में भी हम प्रचार करके आए हैं। अपने दिल्ली की 6 सीट पे गए हैं, बाकी के भी। मेरा मानना है कि हमारे लिए कन्हैया कुमार कोई चैलेंज नहीं है। कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। कन्हैया कुमार को जैसे ही लोग सुनते हैं कि अच्छा यही है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे का अभियान चलाया, यही है जिसने कहा घर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे, यही है जिसने छत्तीसगढ़ में CRPF के जवानों की शहादत के बाद जश्न मनाया, यही है जो दुर्गा जी को नहीं मानता है, महिषासुर को मानता है। तो ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता कभी भी वो बटन नहीं दबाएगी। कांग्रेस पहले ही छोड़ के चली गई, अध्यक्ष चले गए छोड़ के। इसलिए 25 तारीख को आप देखिएगा कन्हैया कुमार का जो परिचय है लोगों में, लोग सहम गए हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना असली परिचय दिखा दिया। और कल का चुनाव लोग बहुत बड़ी संख्या में मतदान करेंगे और वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा, ऐसा मेरा विश्वास। राहुल गांधी और मनोज झा दोनों ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा है और कहा है कि प्रधानमंत्री को मनोचिकित्सक की जरूरत है, दिमागी हालत ठीक नहीं। किस तरह से आप देख रहे हैं इन दोनों के चेहरे? भाई देखो, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो जो वायरस इनको लगेगा उनको भी लगेगा। मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी भी जहां जाते हैं 2 एम्बुलेंस उनके पीछे लगाना चाहिए और मनोज झा जैसे लोगों पर भी लग जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता में अपने प्रति नकारात्मक जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ना जनता के, इनके लिए तो ये कभी भी मेंटली कोलैप्स कर सकते हैं। प्लीज इनकी सुरक्षा बढ़ाया जाए समय पर।